अंशों के देश में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो सारे अंश वहां से भग लिए और भगते भगते चलते रहे। अरे देखो युग युग अंतर मानव की परिभाषा चाहिए, उनके फार्मूलाज बदल जाते हैं। वे गए हरेक नगरी में जाकर रिक्वेस्ट ही करी नहीं, बोला भाई मारी नगरी में तो अकाल पड़ गया, अंशों की डार है भाई, हमने डांट लियो, कोई डांटनिया नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? उनकी खुराक ना ने भी खुराक क्यों नहीं ने भी आध पा मोती रोज अणबिंद मोती आध पा के रोज एक मोती एक अंश के चाहिए थे, जो खर्चा ही नहीं उठा। किसन यू कह दी बावल हो कौन डटेगा तुम न, तुम एक काम कर लियो के तुम राजा वीर विक्रमा जीत के राज में उज्जैन में चले जाओ, इतना सामर्थ्य उसमें है, वो राख सकता है, वो बड़ा धर्मात्मा है पुण्यात्मा है। सारे अंश उज्जैन में चले गए और जाके माली से फरियाद करी बगीचे में जाके, नहीं बोले भाई हमारे देश में काल पड़ा है और 12 साल का काल है, अरे हमने को डाटनिया नहीं पाया भाई, हम तो विक्रमाजीत का नाम सुन के आए हैं। अंशों की डार को विक्रमाजीत के दरबार में पेश कर दिया, बोला जी अंश अपने कुछ प्रार्थना आपके सामने रखना चाहते हैं। बोला कहो भाई अंशो, कह दो रे अंशो मन की बात। वो अंश कहते हैं क्या, वो हंस कहता है दरबार में, हो तू शहर में छतरी नाटिए मथुरा मैं हीरा सू
هر کے گون من گائے سوپ شاہ